नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया डेली क्रिकेट के आईपीएल स्पेशल एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 19 अप्रैल 2021 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों के बारे में, जहां पर एक तरफ कल आईपीएल 2021 में सुपर संडे में खेले गए दोनों महामुकाबलों के बाद काफी सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड बने, वहीं दूसरी तरफ भाई चेन्नई सुपर किंग के साथ यहां पर एक शानदार खिलाड़ी जुड़ गया और उसके अलावा भी यहां पर आईपीएल 2021 से जुड़ी काफी सारी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों के बारे में वन बाय वन पूरी तरह से विस्तार से खुलकर बातचीत करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और यदि आप भी आईपीएल 2021 को एंजॉय कर रहे हैं तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा माई इलेवन सर्कल ऐप के बारे में, क्योंकि भाई इस ऐप को ज्वाइन करते ही फर्स्ट डिपॉजिट पर आपको 1500 रुपए का कैश बोनस मिलने वाला है और साथ ही साथ यहां पर हर मैच के लिए वीवीएस लक्ष्मण राशिद खान अपने टीम बनाते हैं। यदि आपकी टीम उनकी टीम को हरा देती तो आपको मिलेगा आपकी विनिंग का 5 गुना ज्यादा कैश। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? काफी सारे लोग यहां पर करोड़ों रुपए जीत चुके हैं। साथ ही साथ अगर आप यहां पर लीडर बोर्ड में टॉप करते तो आप यहां पर 2 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। तो यहां पर फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से माई इलेवन सर्कल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से ज्वाइन करने पर आपको 20% एक्स्ट्रा कैशबैक भी मिलने वाला है। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। तो चलिए बिना समय गवाए अब हम बात करते हैं क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है आईपीएल 2021 में कल खेले गए महामुकाबलों के लेकर। जी हां, दो मुकाबले कल खेले गए थे, जहां पर पहला महामुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच चेन्नई के चेपोक के मैदान पर खेला गया था। काफी शानदार वो मैच रहा था। उस मैच में हमें ग्लेन मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स की तरफ से जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली थी, जिसके चलते पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की टीम ने 204 रन बनाए थे। 205 रनों का एक विशाल टारगेट यहां पर चेन्नई के चेपोक पर कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने रखा था, जिसको भाई केकेआर की टीम चेस नहीं कर पाई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को इस महामुकाबले में 38 रनों से काफी शानदार जीत मिली। उसके बाद सुपर संडे में दूसरा महामुकाबला शाम को 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुंबई के वानखेड़े के मैदान पर खेला गया। यह मुकाबला भी हाई स्कोरिंग रहा, जहां पर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब किंग्स की टीम ने अपने 20 ओवर में मयंक अग्रवाल, केएल राहुल की शानदार पारी के चलते 195 रन बनाए थे। 196 रनों का एक काफी शानदार टारगेट यहां पर दिल्ली कैपिटल्स के सामने रखा था, लेकिन भाई दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से शिखर धवन ने मैच को वन साइडेड कर दिया, 92 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसके चलते 19वें ओवर में ही दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने उस टारगेट को चेस कर लिया। इन दोनों महामुकाबलों के बाद आईपीएल 2021 की पॉइंट टेबल में हमें काफी सारे चौंकाने वाले बदलाव देखने को मिले। पर्पल कैप रेस में भी यहां पर बदलाव हुए, ऑरेंज कैप रेस में भी यहां पर बदलाव हुए, जिसके ऊपर मैं अभी 1.5 घंटे पहले वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है आईपीएल 2021 में आज होने वाले महामुकाबले को लेकर। जी हां, भारतीय समय अनुसार आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और भाई यहां पर राजस्थान रॉयल्स सामने सामने होने वाले हैं। दोनों टीमें काफी खतरनाक हैं। मुंबई की वानखेड़े के स्टेडियम पर दोनों टीमें आमने सामने होंगी। दोनों टीमों के लिए कुछ बड़े अपडेट्स भी यहां पर निकल कर आ रहे हैं, जहां पर इस महामुकाबले में हमें दोनों ही टीमों की ओपनिंग में बदलाव देखने को मिल सकता है। सीएसके की तरफ से ऋतुराज गायकवाड को बाहर करके उनकी जगह पर प्लेइंग 11 में रोबिन उथप्पा को शामिल किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की ओपनिंग पेयर में यहां पर एक छोर पर जोश पटेल बिल्कुल कंफर्म्ड है, लेकिन दूसरे छोर पर मनन वोहरा को टीम की प्लेइंग 11 से बाहर करके युवा चेहरे यशस्वी जायसवाल को आजमाया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर और सीएसके फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी होगी। भाई सीएसके टीम के एक बहुत ही खतरनाक गेंदबाज या मैं अफ्रीकी गेंदबाज ग्लूम गैंगिडी की यहां पर बात कर रहा हूं, जो अभी तक लगातार क्वारंटीन में चल रहे थे। 10 दिन का क्वारंटीन पीरियड शायद उन्होंने यहां पर स्पेंड किया है, लेकिन फाइनली भाई अब वो यहां पर टीम चेन्नई सुपर किंग के ट्रेनिंग कैंप को ज्वाइन कर चुके हैं। भाई जो आज सीएसके का महामुकाबला होने वाला है, उस महामुकाबले के लिए भी वो अवेलेबल रहने वाले हैं। उनको प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी या फिर नहीं, एक अलग बात है, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि भाई उनको यहां पर एक बार चांस जरूर मिलना चाहिए। जबरदस्त गेंदबाज है, अपनी गेंद से मैच को किसी भी वक्त यहां पर एक तरफा कर सकते हैं, मैच को किसी भी वक्त वो रिजल्ट में मतलब वहां पर बिल्कुल बदल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है
आईपीएल 2021 और कोविड-19 को लेकर, जी आप सभी को पता है कि भारत में कोविड-19 के केसेस लगातार डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। रोजाना 20-30 हजार केस बढ़कर ही सामने आ रहे हैं, जिसके बाद भाई यहां पर आईपीएल 2021 जो फिलहाल भारत में चल रहा है उसके ऊपर भी कुछ संकट के बादल यहां पर मंडराते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद भाई अब यहां पर आईपीएल 2021 के लिए एक नया रूल इंप्लीमेंट में आया है। रूल कुछ ऐसा कि भैया अब यहां पर सभी खिलाड़ियों पर नजर रखी जाएगी और यदि कोई खिलाड़ी यहां पर बायोसिक्योर बबल एनवायरमेंट से बाहर निकलता है या फिर किसी भी रूल को, एसओपी के जो भी रूल्स है उनको यहां पर ब्रीच करते हैं, तो भाई उस खिलाड़ी को एक बड़ी सजा का सामना करना पड़ सकता है। उस खिलाड़ी को पूरे के पूरे आईपीएल सीजन से बाहर कर दिया जाएगा, ऐसी यहां पर रिपोर्ट निकल कर आ रही है। उसके अलावा आप सभी को पता है कि फर्स्ट टाइम में तो यहां पर वार्निंग देकर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन सेकेंड टाइम में यहां पर उसको पूरे आईपीएल से बाहर कर दिया जाएगा। और भाई फर्स्ट टाइम भी वार्निंग देने के बाद उसको बिना किसी गलती के अगर थोड़ा सा रूल भी यहां पर टूटता है तो 10 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना काफी ज्यादा अनिवार्य कर दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है आईपीएल 2021 के स्टैट्स को लेकर। जी हां, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में हम यहां पर इस मतलब इस पार्ट में बात करने वाले हैं, जहां पर दोनों ही टीमों ने एक शानदार स्टैट अपने नाम किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने आईपीएल के इतिहास में पहली बार किसी सीजन में शुरुआती लगातार 3 जीत के साथ आगाज किया है, वहीं दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद को आईपीएल के इतिहास में पहली बार सीजन की शुरुआत से शुरुआती 3 मुकाबलों में लगातार करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते भाई एक टीम के नाम यहां पर शानदार रिकॉर्ड हुआ है, वहीं दूसरी टीम के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन भाई अब यहां पर आपको पता है कि अभी काफी मैच बचे हैं, यहां से हम रिजल्ट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है एबीडी विलियर्स को लेकर। जी आप सभी को पता है कि अभी से लगभग 3 साल पहले उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा बोल दिया था, और उसके बाद भाई अभी से कुछ दिन पहले ऐसी रिपोर्ट निकल कर आई थी भाई, ऐसी यहां पर जो उनके साउथ अफ्रीकन टीम के हेड कोच है उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि भाई एबीडी विलियर्स को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 में कमबैक करना चाहिए। तो इसके ऊपर यहां पर कल एबीडी विलियर्स की तरफ से हमें एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देखने को मिली है। खुशखबरी कुछ ऐसी कि भाई एबीडी विलियर्स यहां पर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 में साउथ अफ्रीका के लिए कमबैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। कल आधिकारिक तौर पर उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दे दी है, लेकिन भाई अभी भी यहां पर एक छोटी सी बात जरूर बीच में अटकी हुई है कि भाई वो अगर कमबैक करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले जो उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड से, और अगर वहां पर साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड उनको अलाउ कर देता है तो भाई डेफिनेटली हमें एबीडी विलियर्स आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो दोस्तों ये आज 19 अप्रैल 2021 क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें, इन सभी खबरों के ऊपर आपके क्या ओपिनियन, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिएगा क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।